हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, संगठनों की श्रृंखला देख रहे थे। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सार्क के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फॉर्म के बारे में। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया है, ब्राज़ील है आपका, और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, याद रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, जून 2003 में, ब्रासिलिया घोषणा से हुई थी इसकी। ठीक है, और यह बहुजातीय बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले तीनों देशों के बीच समन्वय तंत्र है। कौन कौन से देश? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई? जून 2003 में। और यह बहुजातीय बहुसांस सांस्कृतिक लोकतंत्र उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले तीनों देशों के बीच समन्वय तंत्र है। ठीक, इसका उद्देश्य है दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक, इसके प्रमुख बिंदु की बात करें हम लोग, तो इसके प्रमुख बिंदु हैं सुरक्षा परिषद में सुधार, सुरक्षा परिषद में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, गैर कानूनी गतिविधियों का व्यापार अन्य प्रमुख विषय इसमें शामिल हैं। ठीक, इसके सम्मेलनों की बात करें हिप्सा के, तो इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था ब्रासिलिया ब्राज़ील में 2006 में। ठीक, इसका दूसरा हुआ स्वाने दक्षिण अफ्रीका में 2007 में। इसका थर्ड सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में भारत में 2008 में। और चौथा इसका सम्मेलन हुआ था ब्रासिलिया ब्राज़ील में 2010 में। फिर हुआ आपका पांचवा सम्मेलन पेट्टोरिया दक्षिण अफ्रीका में 2011 में, और छठवा हुआ था नई दिल्ली में 2013 में, लेकिन ये निरस्त हो गया था। ठीक है, फिर अभी 2017 में हुआ इसका साउथ अफ्रीका में, और फिर उसके बाद नौवा हुआ कोचीन में भारत में। ठीक, 2019 में। इप्सा में सहयोग तीन मोर्चों पर केंद्रित है, वैश्विक एवं राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए मंच के रूप में, जैसे राजनीतिक एवं आर्थिक अभिशासन की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, दोहा विकास एजेंडे, जलवायु परिवर्तन, आतंकवादी इत्यादि। तीनों देशों के साझे लाभ के लिए कार्य समूहों तथा लोक मंचों के माध्यम से परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग करना इनके कार्यों में शामिल है। इफ्सा फंड के माध्यम से विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू करके अन्य विकासशील देशों की सहायता करना इसका कार्य है। जनवरी 2019 में नई दिल्ली में इसमें बैठक हुई, गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर। इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामफोसा शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये था आपका इप्सा। अब आगे बात करेंगे हम लोग आर्कटिक काउंसिल के बारे में। ठीक है,